एहसास आपके अल्फाज हमारे प्रोग्राम में आज मैं लोकेश गुप्ता आपको सुना रहा हूं मनीषा जोशी की लिखी और हमें इस प्रोग्राम में शरीक करने के लिए भेजी हुई कहानी छोटी सी सीख। वकील अखिलेश की इकलौती बेटी निधि का जन्मदिन था जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। 10 वर्ष की निधि बहुत ही प्यारी बच्ची थी और अपने पापा की लाडली। पिता के घर पहुंचते ही पानी का गिलास दौड़ कर ले आती थी और उसके बाद दिन भर की बातें पिता को बताती, उनके साथ ही खाना खाती और कहानियां सुनते हुए सो जाती। अखिलेश की पत्नी कविता अक्सर उनको बोलती, तुम्हारे लाड़ प्यार ने जिद्दी बना दिया है निधि को। बहुत प्यार करता है अखिलेश अपनी राजकुमारी को और आज उसके जन्मदिन पर उसे इतनी देर हो गई। कोर्ट में केस के सिलसिले में वो बहुत व्यस्त रहा आज पूरा दिन, क्योंकि कुछ सबूतों को जुटाना था जिसमें उसे काफी समय लग गया। शाम के करीब 7 बजे वो तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए घर की तरफ जा रहा था कि अचानक गाड़ी के सामने एक बुढ़िया आ गई। अखिलेश चिल्लाते हुए बोला, मरना चाहती है क्या बुढ़िया? जोर की आवाज के साथ ब्रेक लगाकर गाड़ी रोककर वो गाड़ी से उतरकर उसके पास गया और गुस्से में चीखा, आंख नहीं है क्या तुम्हारे पास जो मेरी गाड़ी के नीचे आ रही हो? बुढ़िया बहुत डरी सहमी और घबराते हुए बोली, अब माफ कर दो बेटा, मैंने दूर से तुम्हारी गाड़ी आती देखी तो दौड़कर तुम्हें रोकने आ गई, मुझे मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। अखिलेश चौंकते हुए बोला, मुझसे क्या काम है तुम्हें? बेटा मेरा जवान बेटा संजय जेल में है, उसे झूठे गुनाह में फंसाया गया है। जिस सेठ का तुम केस लड़ रहे हो असली गुनाहगार वो है और मेरे सीधे साधे बेटे को फंसा दिया उसने। अखिलेश बोला, देखो मुझे सब पता है, मेरा काम अपने क्लाइंट को केस जिताना है चाहे वो झूठा हो या फिर सच्चा। तुम इस केस में मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बुढ़िया बोली, ऐसा मत कहो बेटा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम मेरे बेटे को बचा दोगे तो ईश्वर तुम्हें हर खुशी देगा। अखिलेश बोला, अरे मुझे माफ करो और अपने रास्ते जाओ, पहले ही आज इतनी देर हो गई है मुझे, मुझको जाने दो। ये कहकर वो गाड़ी में तेजी से बैठा और गाड़ी फिर आगे बढ़ा दी। बुढ़िया उसकी गाड़ी के पीछे काफी दूर तक तो भागती रही लेकिन फिर थक कर रुक गई। अखिलेश लखनऊ में 10 साल से वकालत कर रहा था और पिछले 10 साल में अपने 90% केस वो ही जीता था। शहर में जो भी कोई कोर्ट केस में फंसता तो वो सबसे पहले अखिलेश को ही अपना वकील रखना चाहता, लेकिन अखिलेश उसका ही केस लेता जिसकी जेब में पैसा होता, चाहे वो कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों न हो। कई गुनहगारों को उसने अपने हुनर से जेल जाने से बचा लिया था। आज भी उसके पास एक ऐसा ही केस था जिसमें सेठ धर्मपाल की हत्या हुई थी, उन्हीं की फैक्ट्री में उनकी लाश मिली थी जिसका इल्जाम संजय पर लगाया गया था, क्योंकि वही था वहां पर जो सबसे देर तक काम कर रहा था और सबके जाने के बाद वो वहां से जाता था। इसी कारण सबको उस पर संदेह हुआ और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सेठ धर्मपाल के बेटे किशोर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। संजय एक गरीब परिवार का मेहनती और ईमानदार लड़का था। पिता के देहांत के बाद उसकी मां ने दूसरों के घरों में काम करके उसे पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। 12वीं की कक्षा में 80% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसा न होने के कारण और घर की देखभाल करने के लिए वो ये नौकरी कर रहा था। दरअसल हुआ ये था कि सेठ धर्मपाल का बेटा किशोर एक अय्याश और बिगड़ा हुआ लड़का था। सेठ धर्मपाल उससे हमेशा नाराज रहते थे और आज भी दोनों बाप बेटों में किसी बात को लेकर बहुत बहस हुई और उसके बाद किशोर ने पिता को धक्का दे दिया और अनजाने में उनका सर दीवार से जोर से जा लगा, जिससे दिमाग के भीतर गहरी चोट लगी और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। किशोर ये देखकर एकदम घबरा गया, डर गया था वो, और इसी डर और घबराहट में उसने संजय के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। जब अखिलेश ने किशोर को आश्वस्त कर दिया कि केस कैसा भी हो वो उसे जिता देगा, तब उसने अखिलेश को ये सब बात सच बताई थी। अखिलेश भी अपना वादा निभाने में लग गया था। उधर अखिलेश जब घर पहुंचा तो कविता निधि को चुप करा रही थी, पर निधि थी कि रोए जा रही थी। अखिलेश को लगा उसके
घर देर से आने के कारण नीति रो रही है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। कोई मेहमान नहीं, कोई सजावट नहीं, बस टेबल पर केक रखा था जिसे अब तक काटा भी नहीं गया था। क्या हो गया, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया? सॉरी बेटा, मैं काम में फंस गया था। नहीं तो कभी ऐसा हुआ है कि अपनी रानी बिटिया का जन्मदिन हो और मैं टाइम पर ना पहुंचूं? मगर कविता, अरे तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए था, इसके किसी दोस्त को क्यों नहीं बुलाया? कविता ने बताया कि निधि जब से स्कूल से आई है रोई जा रही है, कुछ नहीं बता रही कि आखिर हुआ क्या, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं मिल रहा था। निधि ने न किसी को बुलाने दिया, न केक काटने को राजी हुई। अब तुम ही पूछो अपनी राजकुमारी बिटिया से कि इसे आखिर हुआ क्या। अखिलेश ने बड़े प्यार से निधि को अपनी गोद में बैठा कर पूछा, अले 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 अले, क्या हुआ हमारी प्रिंसेस को? पापा को नहीं बताओगे? तो निधि पापा के सीने से लिपट कर सिसकियां ले लेकर रोने लगी। अखिलेश ने कुछ देर तक उसे बिना कुछ कहे अपने सीने से लगाए रखा। फिर थोड़ा समझाने के बाद निधि बोली, पापा आज क्लास में मेरी बहुत बेइज्जती हुई, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। अखिलेश ये जानने के लिए बेचैन था कि आखिर ऐसा स्कूल में हुआ क्या। निधि ने बताया, आज मेरी क्लास में एक बच्ची के पैसे चोरी हो गए, और जब क्लास की तलाशी हुई तो वो पैसे मेरे स्कूल बैग से मिले। मेरे साथ बैठने वाले बच्चे ने वो चोरी के पैसे मेरे स्कूल बैग में डाल दिए थे, क्योंकि वह मेरे साथ बैठती है, और टीचर ने मुझे पूरा दिन बेंच पर कान पकड़कर खड़ा रहने की पनिशमेंट दी। मैं बोलती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, पर वो नहीं मानी और सारे बच्चे मुझे चोर चोर कहकर चिढ़ाने लगे। इतना कहकर वो पापा से लिपट कर फिर से जोर जोर से रोने लगी। अखिलेश अपनी बेटी को दुखी नहीं देख पा रहा था, और वो भी उसके बर्थडे वाले दिन। उसने निधि को बहुत समझाया और दूसरे दिन उसके स्कूल जाकर उसकी स्कूल टीचर से बात करने के लिए उसे आश्वस्त किया। जब निधि के साथ बैठने वाली उस लड़की से स्कूल टीचर ने थोड़ी सख्ती से पूछा तो उसने स्वीकार किया कि चोरी उसने की थी, और जब तलाशी होने लगी तो उसने डर की वजह से वो रुपए निधि के स्कूल बैग में डाल दिए थे, जबकि टीचर ने निधि को गुनहगार समझकर उसे सजा दे दी थी। मगर अब सब ठीक हो गया था। निधि की टीचर ने निधि के पिता से पूरी कक्षा के सामने माफी मांगी और दूसरी लड़की से कहा कि वो अपने पेरेंट्स को कल स्कूल आने के लिए बोले। निधि के चेहरे पर फिर से खिली मुस्कान को देखकर अखिलेश को संतोष हुआ कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया। स्कूल से बाहर निकलकर वो कोर्ट जाने लगा और उसकी आंखों में संजय का निर्दोष चेहरा आ गया। आज जब उसकी औलाद पर झूठा इल्जाम लगा तो कैसे तड़प उठा था अखिलेश। पूरे रास्ते उसका जमीर उसे कोसता रहा। कोर्ट के बाहर पहुंचकर उसने संजय की मां को देखा, लेकिन उस बेबस मां की आंखों से अखिलेश नजरें नहीं मिला पा रहा था। अखिलेश ने हर हाल में संजय को बचाने का और असली गुनहगार को सजा दिलवाने का निर्णय लिया और तेजी से कोर्ट रूम की तरफ चल दिया। दोस्तों, मनीषा जोशी की लिखी इस कहानी को आपने सुना मेरे यानी लोकेश गुप्ता की आवाज में। कई बार जब तक हम खुद उस दर्द से, उस पीड़ा से ना गुजरे, हमें दूसरे की तकलीफ का एहसास नहीं होता। आपको यह कहानी कितनी पसंद आई, हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का, जिसके लिए सिर्फ आपको कमेंट करना है और बताना है कि आप इस कहानी से कितना जुड़ पाए। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि इस प्रोग्राम को और ज्यादा बेहतर बना सके, जिसमें आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम रोल अदा करती है। अभी के लिए लोकेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और अपना बहुत ख्याल रखिए और जुड़े रहें इस प्रोग्राम से, जिसे आप प्यार से, मोहब्बत से कहते हैं, एहसास आपके, अल्फाज हमारे। बाय बाय दोस्तों। बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एहसास आपके, अल्फाज हमारे को, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।